लिखो भाई सॉलिड एंगल। थ्री डी वाला एंगल है ना, थ्री डी में जो एंगल होता है एक तरह से। तो प्लेनर एंगल क्या होता है? जब अपन नॉर्मली एंगल बोलते हैं उसका मतलब होता है प्लेनर एंगल, है ना। तो प्लेनर एंगल क्या होता है, पहले हमारा कैसे डिफाइन करा है उसे हमने, जैसे ये है ना, अगर ये आर्क है, आर्क की लेंथ से एल है, इस आर्क की लेंथ एल है और ये रेडियस अगर आर है, तो मैं प्लेनर एंगल, ये थीटा है ना, इस थीटा को कैसे डिफाइन करता हूँ, एल बाय आर। ये डेफिनेशन है एंगल की, प्लेनर एंगल की डेफिनेशन है। यूनिट क्या होता है इसमें, कभी डिग्री नहीं होगा, रेडियन होगा ना। जब तुम एल बाय आर करके डिफाइन कर रहे हो तो यूनिट होगा रेडियन। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से हमने प्लेनर एंगल को डिफाइन करा हुआ है। अब सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई 3D सरफेस होता है। आ रहा है समझ में का? अरे देखो यार ऐसे समझ लो, ये स्फीयर है ना, ऐसे समझ लो, ऐसे दिख जाएगा। स्फीयर का मैंने कोई ऐसा इतना पार्ट ले लिया है ना, समझ में आ गया, ये स्फीयर और स्फीयर का मैंने ये कोई पार्ट ले लिया। तो सही, ये जो सरफेस एरिया है वो ऐसे है, कितना सरफेस एरिया, सिर्फ इतना सरफेस एरिया बोल रहा हूँ मैं, इतना सरफेस एरिया ऐसे। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4πr² ना। ये इतना सरफेस एरिया, ये इतना, याद रखना ये स्फेरिकल है, प्लेनर नहीं है, स्फेरिकल, इसलिए स्फीयर लिया है ना। तो ये इतना सरफेस एरिया एस है और अगर रेडियस आर है, तो इसका जो सॉलिड एंगल होगा, अब सॉलिड एंगल 3D है ना, इट्स नॉट जस्ट लाइन सरफेस है ना, सॉलिड एंगल। तो जो इसका जो सॉलिड एंगल होगा उसको पहले तो मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझ में आया क्या? और सॉलिड एंगल को डिफाइन किस तरह से करा है हमने, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, स्टे रेडियन। इसका यूनिट क्या होता है, स्टे रेडियन। ये डेफिनेशन है सॉलिड एंगल की। जैसे प्लेनर एंगल होता था आर्क लेंथ बाई रेडियस, ये होता है सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। लिखो जल्दी से, सर्किल वर्कल से नहीं आता, वो सरफेस का होता है। तो रेक्टेंगल का कैसे निकालूंगा, तो क्यूबॉइड यूबॉइड कुछ बोलो तो समझ में आता है। अगर एक स्क्वायर शेप, अच्छा रेक्टेंगल को प्रोजेक्ट करोगे, नहीं तो कोई इसके लिए डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। हमें सिमेट्रिक चाहिए, बिल्कुल सिमेट्रिक चाहिए, हर डायरेक्शन में, वो हर डायरेक्शन में सिमेट्रिक होना चाहिए। अरे समझ गया जो तुमने बोला, मैं समझ गया, नहीं कर पाओगे ना, उसके लिए डिफाइन करना मीनिंगलेस भी है ना, हमारा जो भी काम है वो सारे इससे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक पूरा स्फीयर ले लूँ, मान लो अगर ये पूरा स्फीयर है, तो बताओ किसी भी ओ पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल एट पॉइंट ओ क्या होगा बताओ, पूरे स्फीयर के कारण, उसको मैं बना के भी नहीं दिखा पाऊंगा ना। ये सोचो इस सरफेस एरिया को ऐसे बड़ा तो बड़ा के पूरे स्फीयर पे स्प्रेड कर दिया, तो सरफेस एरिया कितना हो गया भाई आर स्क्वायर, तो कितना आ गया 4π। समझ में आया क्या? जैसे अगर इसको पूरा बड़ा कर दूं, मैं एक पूरा सर्किल बना दूं यहाँ पे, तो सर्किल कितना एंगल सबस्टेंड करता है यहाँ पे, इसको तो अपन ऐसे दिखा देते हैं, कितना एंगल करता है ये, क्योंकि ये 2πr/r हो जाएगा। जैसे सर्किल अंदर के किसी भी पॉइंट पे, इंडी जरूरी नहीं वो सेंटर हो, अंदर के किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनाता है, पूरा एक सर्किल पूरा 360 घूम के आ गए 2π बना रहे है। ऐसे ही सॉलिड एंगल में अगर तुमने पूरा कवर कर दिया, उसको एनक्लोज कर दिया, तो कितना रहेगा 4π। इंडीड सिर्फ ओ पॉइंट पे नहीं, अंदर कोई भी पॉइंट हो, क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई भी पॉइंट होगा, जैसे क्लोज्ड कर्व के अंदर कोई भी पॉइंट होगा 2π एंगल बनता है। जरूरी थोड़ी ना सर्किल आओ, ऐसा लो क्लोज्ड कर्व ले लो, यहाँ पर भी थीटा कितना हो जाएगा, इसको तुम ऐसे घुमाओ के पूरा वापस आओगे, क्योंकि थीटा में थोड़ी फीलिंग आ जाती है, यहाँ पर भी थीटा क्या होगा 2π। समझ रहे हो क्या? किसी भी कोई भी क्लोज्ड कर्व के अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनता है 2π। ये फील आया पहले, आया या नहीं? तुम इधर पे हो, मान लो तुम इधर पे खड़े हो और तुम देख रहे हो कोई बंदा इस रास्ते पे चल रहा है कर्व के, तुम उसको हमेशा देख रहे हो, तो तुम पूरे नहीं घूम जाओगे 2π? एंगल में तो फीलिंग आ जाती है, नहीं आ रही तो मैं फिर से समझा दूंगा। मान लो इस ट्रैक पे कोई बाइक चल रही है, तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, तुम उसको देख रहे हो, वो बाइक चलती हुई आ रही है, तुम उसको देखते हुए चल रहे हो, तो वो इस इधर से चल के ऐसे घूम के वापस इस पॉइंट पे आ जाएगी, तो तुम कितना टर्न मान लोगे 2π टर्न मारोगे, तो कितना एंगल है 2π। तो क्लोज्ड कर्व अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनाता है 2π। इसी तरह से क्लोज्ड सरफेस अंदर वाले पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल बनाता है 4π।
तो सिर्फ ओ पे ही नहीं, इनसाइड किसी भी पॉइंट पे कितना होगा? 4π। आउटसाइड वाले पॉइंट पे कितना होगा? इसको सी बोल देते हैं, ये सेंटर था ना, इसको सी बोल दो, इसको ओ बोल देते हैं, आउटसाइड वाले पॉइंट को ओ बोल देते हैं। आउटसाइड वाले पॉइंट पे कितना बनाएगा? अच्छा पहले इसमें बताओ, सोचो तुम बाहर खड़े हो, तुम लोगों के एंगल नहीं आता, पहले एंगल समझो तुम। ये है भाई, ये को एक क्या हो गया, क्लोज कर्व हो गया। मैं बोल रहा हूँ इनसाइड वाले किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल है, ये पूरा कर्व कितना बना रहा है, ये कैसे डिसाइड करा? इसको मान लो ये कोई पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे कोई बाइक चल रही है ट्रैक पे ना, और वैसे चलते चलते यहाँ तक गई, तुम यहाँ पर खड़े हो, तो तुम उसको देखते देखते कितना पूरा टर्न घूम जाओगे? तो क्लोज कर्व अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनाता है? अब मैं बोल रहा हूँ तुम बाहर खड़े हो, आउटसाइड वाले पॉइंट पे बताओ कितना एंगल बनाएगा? तुम्हें इस बाइक को देखना है बस, ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पे आ गई, कितना एंगल बनाया? 0। तुम ऐसे बाहर से देख रहे हो, जितना गए उतना वापस ना, इमेजिनेशन ना बिल्कुल नहीं है, बताए। आउटसाइड वाले पॉइंट पे कितना आ गया? सॉलिड एंगल भी सिमिलरली, लिखो इतना लिखो, लिखो नोट लिखो, एंगल सबटेंडेड बाई एनी क्लोज्ड कर्व एट एन इनसाइड पॉइंट इज 2π रेडियन एंड आउटसाइड पॉइंट इज 0 रेडियन। अगला लिखो, एंगल्स सॉलिड एंगल्स सबटेंडेड बाई एनी क्लोज्ड सरफेस एट एन इनसाइड पॉइंट इज 4π रेडियन एट एन आउटसाइड पॉइंट इज 0 रेडियन। ये क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा इसका डायमेंशन बताओ क्या होता है, स्टेरेडियन का डायमेंशन क्या होगा? M0, L0, T0 डायमेंशन लेस होते हैं ना, ये हमारे दो एक्स्ट्रा थे ना जो एस आई ने डिफाइन करे थे, 7 तो फंडामेंटल डिफाइन कर रखे हैं यूनिट, और फिर ये क्या थे हमारे दो एक्स्ट्रा थे, कौन से, रेडियन और स्टेरेडियन, ये यूनिट्स होते हैं पर इनके कोई डायमेंशन नहीं होते। सरफेस एरिया भी मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर, कोई डायमेंशन नहीं है। अच्छा अब देखो, मान लीजिए छोटा सा एंगल डी थीटा है ना, तो ये लेंथ ऐसी डीएल है, ये लेंथ ऐसी डीएल है, और ये इधर से मान लो ये कोई एंगल बना रही है तुम्हारी फाई करके, कोई एंगल बना रही है, तो बताओ डी थीटा कितना हो जाएगा? ये डॉटेड लाइन जो तुम्हारी है, ये दोनों डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर है, और ये तुम्हारा फाई एंगल बना रही है, तो बताओ डी थीटा कितना होगा? डी एल कॉस फाई बाय आर, समझे? तो सबसे पहले तो समझो, जब मैं बोलता हूँ कि भाई जो थीटा होता है वो आर्क लेंथ बाय आर होता है, तो वो आर्क लेंथ क्या है, उस आर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे ले लूँगा तो अब तुम डी एल बाय आर नहीं बोलोगे, तो आर के परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैंने देखो डॉटेड लाइन से आर बनाया रेडियस, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई डॉटेड, तो हमें तो इस वाली लेंथ से मतलब है ना, तो इस डीएल का यहाँ पे कंपोनेंट कितना आएगा? डीएल कॉस फाई। ये समझ में आया? ये समझ में आएगा तभी वो सॉलिड एंगल वाला समझा पाऊंगा मैं। सिमिलरली सॉलिड एंगल को तुम बताएं क्या लिखोगे, जो तुम्हें छोटा सा सॉलिड एंगल चाहिए वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? डीएस बाय आर स्क्वायर। अब इसमें ये डीएस ध्यान रखना है, बस डीएस होता क्या है, जैसे ये डीएल था जो आर्क लेंथ थी वो क्या थी, परपेंडिकुलर वाली आर्क लेंथ ली ना हमने, वैसे ही ध्यान रखना है, दिस इज सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू रेडियस। जैसे स्फीयर के केस में तो कोई दिक्कत नहीं थी, परपेंडिकुलर ही था, कई बार कुछ आड़ा टेढ़ा दे देंगे जैसे ये दिया है, वो डायग्राम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बना देता हूँ। चलो मान लो ऐसा कुछ दे दिया, समझ रहे हो, बोल दिया कि भाई ये तुम्हारा है, ये एरिया डी ए है, ये डी फाई है, ये आर है, तो बताओ क्या हो जाएगा? और ये इधर से ऐसे बना रहा है, तो ये जो एंगल बना रहा है वो फाई एंगल बना रहा है सरफेस इस नॉर्मल से, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा डी फाई? डी ए कॉस फाई वाई आर, क्योंकि तुम्हें तो परपेंडिकुलर, इसका जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसा जो आएगा, इसका जो प्रोजेक्शन आएगा, समझ रहे हो, उससे मतलब है। लिखो जल्दी से, लिखो अगला लिखो, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड एंगल, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेनर एंगल, तो कैसे निकालें बताओ? देखो मान लो एक पहले तो कोई सरफेस एरिया है ना,
स्फेरिकल है ना ये, ठीक है, ये है, ये इतना सरफेस एरिया ले लो, ये सरफेस एरिया ऐसे मान लो है ना, और ये जो एंगल बना रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये जो तुम्हारा ये एंगल थीटा बना रहा है, और ये कोण जो है वो सॉलिड एंगल कितना बना रहा है, ओमेगा। तो इस ओमेगा और थीटा में तुम्हें रिलेशन निकालना है। एक कोण ले लिया तुमने स्फीयर पे, वो इतना सा पार्ट लिया, वो एक कोण ही बनेगा है ना, मतलब पर ये कोण का ये वाला पार्ट फ्लैट नहीं होगा, ये वाला पार्ट स्फेरिकल होगा। कोण होता है उसका नीचे वाला पार्ट जनरली फ्लैट होता है, ये पार्ट पर यहाँ पे स्फेरिकल होगा। तो तुम्हें अगर ये जो एस सरफेस एरिया आ रहा है, ये एस सरफेस एरिया अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, देखो थीटा मैंने किसको डिफाइन करा है, कोण का एंगल, तो जो कोण है उसका सॉलिड एंगल क्या होगा, ओमेगा। ये तुम्हें निकालना है, ये तुम सॉल्व करके आओगे कल, बहुत आसान है। यहाँ पे एक चलो सोचना, खुद से इंटीग्रेशन करके तुम्हें निकालना पड़ेगा। ओमेगा और थीटा में रिलेशन निकालो, कोण है, अगर कोण का जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस पार्ट वो सॉलिड एंगल ओमेगा सबटेंड कर रहा है, और कोण का एंगल थीटा है, तो ओमेगा और थीटा में क्या रिलेशन होगा, ये कल करके आओगे तुम लोग। चलो मैं आंसर बता देता हूँ ताकि अगर आ जाए तो तुम समझ जाओ। ओमेगा इक्वल टू 2π × 1 − cos θ, ये याद भी रखना है ये।